हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों दो दिग्गज कंपनियों के बारे में, तो उसमें से आपको पता ही है अभी जियो फाइनेंस वर्सेज बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इन दो कंपनियों में कौन सी कंपनी बेटर है दोस्तों? तो आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वर्सेज बजाज फाइनेंस, विच एनबीएफसी स्टॉक इज बेटर? तो इन दोनों में से कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, इनके बारे में आज हम दोनों के पैरामीटर अलग अलग चेक करेंगे और आपको ही तय करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी जियो फाइनेंस का शेयर मार्केट में आया है, और वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से डीमर्ज हुआ है और मार्केट में लिस्ट हुआ है 21 अगस्त 2023 को। इसकी लिस्टिंग के बाद ही आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 1700 बिलियन तक गया है दोस्तों, लिस्टिंग पे ही है और अभी तक भागा नहीं है इतना ज़्यादा शेयर। और ये अभी थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है दोस्तों। कुछ बिजनेस किया ही नहीं इन्होंने अभी तक ज़्यादा मार्केट में, इन्होंने कुछ क्लैरिटी ज़्यादा दी नहीं। अभी इनकी एजीएम के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है लोगों को, तो अभी देखिए अभी इन्होंने क्या क्या करने का यहाँ पे सोचा है। तो इनके आने से अभी बजाज फाइनेंस के साथ इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, और स्टार्टअप जैसे जीरोदा और ग्रो, इनको बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया है दोस्तों। तो ये कंपनियां अभी आपको पता ही है, जियो रिलायंस जब कंपनी मार्केट में लाता है तो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कैसे किया है, वैसे इस सेक्टर में भी क्या करेंगे? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मगर क्या करेंगे आगे किसी को पता नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डीमर्ज करने के बाद तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है स्पेस में, एनबीएफसी स्पेस में, और अभी ये बजाज फाइनेंस को बहुत बड़ा टक्कर देने वाले हैं दोस्तों। और अभी देखिए जियो फाइनेंस रिलायंस का शेयर मार्केट में आते ही बजाज फाइनेंस में 7% की गिरावट हुई थी दोस्तों, 7%, और रिलायंस की एजीएम के बाद बजाज फाइनेंस में 1% की गिरावट आ चुकी है। और उन्होंने फ्यूचर प्लान अपने बताया, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है अभी। और अभी देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस इनका ईवीएम बहुत कम है अभी, और ये छोटी कंपनी है अभी। आप किसी भी पैमाने पे देखोगे रिवेन्यू ईवीएम, तो ये अभी बजाज फाइनेंस से बहुत छोटी कंपनी है, बस नाम की वजह से ये बहुत बड़ा बन चुका है दोस्तों। और अभी देखिए बजाज फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बिजनेस ओवरव्यू करते हैं, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस। तो पहले बजाज फाइनेंस के बारे में बिजनेस रिव्यू करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, और इनके पास कस्टमर बेस देखोगे तो 73 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके पास ऑलरेडी, और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है बजाज फाइनेंस, और ये रिटेल, स्मॉल, मीडियम साइज, एसएमई, इन सभी को लोन बांटती है, लेंडिंग, रूरल, कमर्शियल लेंडिंग, तो ऐसे ये बहुत सारे बिजनेसेस करती है दोस्तों अंडर वन रूफ। और ये बहुत छोटे छोटे लोन भी बांटती है अपने, जो इनके आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी छोटी आप देखोगे फ्रिज, टीवी, इनके ऊपर भी ये अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मीन्स लोन वगैरह पे ये विद नो कॉस्ट ईएमआई पे ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिलवा देते हैं। तो ऐसी भी इनकी बहुत सारी सर्विसेज है। और बजाज फाइनेंस की दो सब्सिडरीज है दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। तो ये हाउसिंग लोन बांटती है और ब्रोकरेज सर्विसेज भी देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इनकी दो अलग सब्सिडरीज है, और उनको भी ये अलग से लिस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखोगे तो ये बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है मार्केट में। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन एनबीएफसी है ये भी एक देखोगे तो, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाला है यहाँ पे। और अभी इन्होंने आते ही आप देख सकते हो रिटेल लेंडिंग, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग एंड ईवीएम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में उतरने वाले। तो आप देख सकते हो इन्होंने आते ही अनाउंसमेंट कर दिए ये रिटेल लेंडिंग, डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट, तो म्यूचुअल फंड टाइप भी ये बिजनेस करने वाले हैं। और अभी देखिए इनका प्लान रन दीज बिजनेस थ्रू 6 सब्सिडरीज, तो इन्हें 6 सब्सिडरीज निकालने वाले दोस्तों। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो पेमेंट बैंक, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर एंड रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो ये इसमें अपनी 6 सब्सिडरीज, जैसे बजाज फाइनेंस की 2 सब्सिडरीज है, वैसे ये 6 सब्सिडरीज निकालने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। और आप देख सकते हैं इन्होंने आते ही ब्लैक रॉक के साथ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर निकाला है दोस्तों। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और ब्लैक रॉक सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हो चुका है अभी। तो आप देख सकते हो दोनों 50-50% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अभी देखिए यहाँ पे दोनों के पैरामीटर अलग अलग, तो बजाज फाइनेंस वर्सेज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, रिटेल लेंडिंग, तो दोनों का सेम है, ईएमआई कार्ड, इंश्योरेंस, लाइफ केयर फाइनेंस, ब्रोकिंग, पर्सनल लोन, डिजिटल पेमेंट, व्हीकल फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इन दोनों में देखोगे तो सिमिलर थोड़े थोड़े बिजनेसेस हैं, मगर अभी बजाज फाइनेंस का सिक्योर्ड एंटरप्राइजेस लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, गोल्ड लोन, डिपॉजिट पेमेंट, होम लोन, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड, यहाँ पे ये जियो फाइनेंस का कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहले 4-5 पॉइंट में ये अवेलेबल है, बाद में नहीं है। और अभी देखिए लार्ज कस्टमर बेस है इनके पास बजाज फाइनेंस के पास,
और इस्टेब्लिश प्रेजेंस है और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। और अभी यहाँ पे जियो फाइनेंस का देखोगे तो इस्टेब्लिश नेटवर्क विथ कस्टमर फ्रॉम टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेस, तो यहाँ पे ये अपना अलग नेटवर्क यूज़ करने वाला है। मगर बजाज फाइनेंस का उसी बिजनेस में से उनका कस्टमर बेस है, और यहाँ पे ये अपना रिटेल का जो बिजनेस है वहाँ का कस्टमर बेस। और टेलीकॉम, टेलीकॉम तो आपको पता ही है, हर किसी का मोबाइल लिंक है दोस्तों। और जियो का यहाँ पे आपको पता ही है कितना बड़ा नेटवर्क है और कितना उनका प्रेजेंस है अभी मार्केट में। तो ये बना बनाया नेटवर्क यूज़ करने वाले दोस्तों। और चैलेंजेस क्या है देख सकते हो यहाँ पे, रिस्की लोन बुक है यहाँ पे और हाई कंपटीशन। और हाई कंपटीशन तो हर किसी बिजनेस में दोस्तों, और रिलायंस घुस गया तो अभी यहाँ पे कुछ तो बड़ा हो सकता है, इस यहाँ पे आशा पे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों अभी सभी पैरामीटर आपने देख लिए, तो आपको कौन सी बेटर कंपनी लग रही है अभी आज के डेट के हिसाब से देखोगे, बिजनेस रेवेन्यू सब कुछ देखोगे तो बजाज फाइनेंस अभी के लिए अच्छा है दोस्तों। अभी साल 2 साल बाद पता चलेगा कि रिलायंस का जियो फाइनेंशियल अच्छा है या बजाज फाइनेंस, क्योंकि बजाज फाइनेंस ऑलरेडी वेल सेटल बिजनेस है दोस्तों, और उनका बिजनेस हिलाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। हाँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे छोटे प्लेयर है, जैसे आपको अभी बताया मैंने जीरोदा, ग्रो, ये अभी बहुत ही छोटे है दोस्तों, तो इनका बिजनेस ये जल्दी खा सकते हैं। मगर बजाज फाइनेंस का बिजनेस यहाँ पे कितना ये टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठ चुके हैं, लीडर है दोस्तों, ये एनबीएफसी लीडर है बजाज फाइनेंस, तो इसको हिलाना इतना भी आसान नहीं है। तो इनके साथ बस कंपटीशन होगा, अभी इनका कितना बिजनेस ये ले पाते ये आगे हमें पता चलेगा। और अभी देखिए बजाज फाइनेंस बहुत ही वेल सेटल, और इनका एवीएम देखोगे तो 1995 बिलियन करोड़ का इनका एवीएम है दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस है। 3,800 ऑफिसेस है, जियोग्राफिकली अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया इनका, और 1.6 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके बजाज फाइनेंस के, और स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ ये सब कुछ है दोस्तों इनके पास, और कंसिस्टेंस डिविडेंड बांटती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो बहुत ही ज़बरदस्त आरओई आरओसी सब कुछ है बजाज फाइनेंस का। और जियो फाइनेंस का देखोगे तो अभी इनके पास बस बड़ा नाम है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है दोस्तों इनके पास, बहुत छोटा ईवीएम रेवेन्यू ये सब है इनके पास। और अभी ये किस लेवल पे लेके जाते हैं अपनी कंपनी को, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है दोस्तों, तो अभी ये इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं या नहीं आगे पता चलेगा। और ये वेरी हाई प्रीमियम पे अभी चल रहा है दोस्तों टू बजाज फाइनेंस शेयर, बजाज फाइनेंस से भी महंगा शेयर है दोस्तों जियो फाइनेंशियल अभी आज की डेट में, क्योंकि इनका इतना बिजनेस भी नहीं है और रेवेन्यू नहीं है, तो महंगा है ही ये स्टॉक। और अभी देखोगे दोनों में तो कौन सी कंपनी बेटर लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड आज चल रहा है 7,390 रुपीज़ पे, और पिछले 6 महीने में 26% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए, और पिछले 5 सालों में देखोगे तो 176% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। और कोविड में जिसने भी खरीदा है वो तो अभी बहुत ही अच्छे रिटर्न एन्जॉय कर रहा है। और मार्केट कैप देखोगे तो 4,47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं बनाया दोस्तों, बहुत लंबे समय से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के इन्होंने इतना मार्केट गेन किया है दोस्तों। मैक्सिमम देखोगे तो 1,28,000% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने, और इसका 52 वीक लो देखोगे तो 5,485 रुपीज़ का, और 52 वीक का है लगभग 8,000 रुपीज़ का है दोस्तों। और जियो फाइनेंशियल आते ही आप देख सकते हो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और मैक्सिमम देखोगे तो 16% के रिटर्न दे दिए इसने, और आते ही इसका मार्केट कैप देखिए 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 59,000 करोड़ का मार्केट कैप, और पी देखोगे तो 5,000 का पी, तो बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है अभी जियो फाइनेंस आज की डेट में। और अभी आपको पता ही है ऐसी ही एक कंपनी दोस्तों एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, आपको पता ही है, और ये भी कंपनी ऐसा ही बहुत बड़ा नाम लेके आई थी और आज तक कुछ नहीं कर पाई दोस्तों। यहाँ पे लोगों को लगा बहुत बड़ा बनेगा ये, मगर इन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय की दोस्तों, बनाना तो दूर वेल्थ डिस्ट्रॉय की, उल्टा हो गया आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कोविड में तो 44 रुपीज़ पे गया था दोस्तों स्टॉक, और मैक्सिमम देखोगे तो 2017 में ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, और अभी तक देखोगे तो 20% निगेटिव में ही चल रहा है दोस्तों, और मार्केट क्या 50,000 करोड़ का, ऐसा नहीं है छोटी कंपनी हो चुकी है, तो शेयर इसने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया दोस्तों। तो मैं बस आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बड़ा नाम बड़ा नाम बड़े और लक्षण छोटे, ऐसा हो गया था जियो फाइनेंस का भी, आपको पता है मार्केट में लिस्ट होने के बाद 4-5 दिन लोअर सर्किट लग गया था दोस्तों, और बाद में यहाँ पर थोड़ा सा एजीएम के बाद अपर सर्किट के बाद अभी स्टेबल हुई है ये कंपनी। तो अभी आगे क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता है, अगर आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टेड हो तो वहाँ की इन्वेस्टमेंट निकाल के जियो फाइनेंस में जाना कोई समझदारी की बात नहीं है दोस्तों।
हाँ अभी आप ट्रैक कीजिए, छोटी अमाउंट लगाइए जियो फाइनेंस में और अभी आराम से बैठ जाइए। अगले 1-2 साल कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है उसके बाद अभी आप बड़ा डिसीजन बनाइए कि आप इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अदरवाइज आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहिए, और नहीं हो किसी में किसी भी कंपनी में नहीं हो तो आप दोनों में 10-10 हज़ार लगाइए और दोनों को ट्रैक कीजिए दोस्तों, कौन सी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न बना के देती है उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। और आपको इन दोनों में से कौन सा स्टॉक अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।